हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और मेरे प्यारे महापुरुषों को प्यार भरी धन अहंकार। और सुनाइए, आप लोग कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे, और बढ़िया होने भी चाहिए फ्रेंड्स। और आज धूप नहीं है, थोड़ी थोड़ी धूप है, ठंडी धूप और ठंड हो रही है। आप देख सकते हो मौसम कैसा हो रहा है। और ये रजाई का गिलाफ है, पॉलीफिल की रजाई थी फ्रेंड्स, ये उधेड़ी है और इसे मैं दोबारा फिल करवाऊंगी। और ये धोकर रखा है, ये रेडीमेड रजाई थी, इसकी सारी पॉलीफिल मैंने निकाल दी है। इसको अच्छे से वॉश करके अब इसको मैं दोबारा फिल करवाऊंगी। दो दिन हो गए इसको धूप लगते को, और ये सूख चुकी है, तो मैंने कहा आज धूप और लगवा लेते हैं और फिर मैं एक बार फिल करवाऊँगी। एकदम ठंडा मौसम हो गया है फ्रेंड्स, और मैं अंदर चाय रख कर आई हूँ बनने के लिए। थोड़ा सा बाहर आ गई थी ऐसे कि देखूं धूप तेज है कि नहीं है, बट हल्की धूप है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं चलूँ अंदर क्योंकि मेरी चाय उबल कर बन गई होगी काढ़ा, तो मैं चाय को देख लूँ। और यहाँ पर चाय रिझ चुकी है, इसमें डालती हूँ मैं दूध, और अब चाय को उबल के आ जाएगी तो मैं पीऊँगी चाय और आपसे मिलूँगी मैं थोड़ी देर में। रमन की क्लास होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि अल्टरनेटिव डेज जाता है, 3 डेज ही स्कूल जाता है और 3 दिन नहीं जाता, तो इसकी क्लास होने वाली है शुरू। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स यहाँ मैंने चाय ले ली है कप में, और साथ में रस है, और अमन पास में ही क्लास लगा रहा है ऑनलाइन, तो आप भी आ जाइए, पी लीजिए चाय गर्मा गर्म रस के साथ। और इस वक्त 11 बजे का टाइम होगा जिस वक्त मैं चाय रस ले रही हूँ। लेट ही लेती हूँ, कभी दूध कभी चाय, आपको पता ही, आप मेरी वीडियो में मोस्टली देखते ही हैं। तो बस मैं यहाँ पर पी रही थी चाय गर्मा गर्म, और रमन को दिया है मैंने ब्रेकफास्ट। रमन भी लेट ही करता है जब घर पर होता है, वो भी इतनी जल्दी नहीं खाता है, इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उसकी क्लास का टाइम हो रहा है और मैं मिलती हूँ आपसे इवनिंग में। फ्रेंड्स आपने देखा ही है, अभी रमन की क्लासेस थी और क्लासेस इसकी आज जल्दी ऑफ हो गई क्योंकि इनके स्कूल में आज कंपटीशन था, सैटरडे को रमन का हुआ था जो मैंने दिखाया था आपको, कार्ड्स उससे रिलेटेड ही बनाना था कुछ, और रंगोली, और आज दूसरे बच्चों का है, जैसे अल्टरनेटिव डेज बारी आती है। और यहाँ रमन देख सकते हो सराहने रखे हैं, वहाँ पे कंबल रखा है, कर्टन किया है, ये बंटे खेल रहा है अकेले ही। हेलो फ्रेंड्स, मैं हो चुका हूँ बोर क्योंकि दादी चली गई है और मम्मा मेरे को पार्क में नहीं जाने देते, तो क्या करूँ मैं। तो आपने सुना ही रमन की स्टेटमेंट, वो बोर हो चुका है, तो बस मैं इसको पार्क में नहीं भेज रही हूँ फ्रेंड्स, अभी आफ्टरनून का टाइम है। अदरवाइज जब ये फ्री होता है या तो मम्मी कार्टून देखती है, रमन भी कार्टून देखता है मम्मी के साथ, या मम्मी फिल्म देखती है, रमन या बंटे खेलता है। इस टाइम दोपहर को अगर स्कूल से आ जाता है तब भी मम्मी और ये कली जोटा वगैरह खेलते हैं, और आज ये अकेला ही लगा हुआ है आप देख सकते हो। और बाकी मुझे है थोड़ा काम किचन में, दोपहर का लंच बनाने के लिए जा रही हूँ मैं, और इवनिंग में आपसे फिर कड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी, वैसे मैं पहले बहुत बार कर चुकी हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ किचन में, आऊँ मैं किचन में, और मैं बना रही हूँ कड़ी। आज मैं कढ़ाई में डायरेक्ट ही तड़का लगाऊंगी, अदरवाइज जैसे मैं रेगुलर लगाती हूँ वैसे नहीं कि कड़ी रिझने के लिए रख देती हूँ, वैसे नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ तेल हमारा सरसों का हो चुका है, इसमें मैं डालूंगी फ्रेंड्स जीरा और मेथी, और साथ में डालूंगी कड़ी पत्ते, और फ्रेंड्स हींग डालना मैं भूल गई थी तो ये डालती मैं हींग। मेथी हमारे अच्छे से हो चुके हैं, और अब इसमें मैं डाल दूंगी तड़का। मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है साबुत फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हरी मिर्च पीसी है तो ज़्यादा अगर कड़वी हुई तो फिर और मिक्स हो जाएगी, इसलिए मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है जो साबुत होती है।
और फ्रेंड्स ये हमारा जो तड़का है हो चुका है। मैं इसमें डालूंगी नमक, हल्दी और लाल मिर्च। सरसों के तेल में फ्रेंड्स कड़ी का एक अलग ही फ्लेवर आता है, आपने देखा ही होगा। मैं तकरीबन सरसों के तेल में ही कड़ी बनाना पसंद करती हूँ फ्रेंड्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मसाला अच्छे से भुना हो तो हर चीज़ टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। और दूसरी साइड फ्रेंड्स जो मैंने चावल रख दिए हैं कुकर में कड़ी के साथ, और यहाँ पर हमारा कड़ी का जो बेसन है मैंने घोल कर रखा हुआ है पहले ही। आपने हमेशा देखा होगा कि मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा पहले मतलब कि उबालने के लिए कड़ी रख देती हूँ और फिर तड़का लगाती हूँ। आज मैंने कहा चलो मैं ऐसे बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको बोलती हूँ कि तड़का लगाते अगर आप कड़ी डालते साथ के साथ रख दो तो जो कड़ी की खुशबू है उसमें ही रह जाती है। ऐसे करने से कड़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और मैं डाल दूँगी यहाँ पे, जैसे कि मैंने ढक दी है। और इस साइड फ्रेंड्स जो दिवाली के लिए आप फ्लावर देख सकते हो, ये धो रहे थे हम, लड़ियाँ हैं साथ साथ में मैंने ये भिगो के रखे थे, धो दिए हैं अब तो। और आपकी दिवाली की क्लिनिक हो गई है मुझे बताना, हमारी हो रही है थोड़ी थोड़ी। और ये वीडियो शायद दो दिन बाद जाए, ये क्लीनिंग जो हो रही है ये हो रही है फ्रेंड्स। आज डेट है 30 है डेट फ्रेंड्स आज, और ये शायद 31 या 1 डेट को जाए। तो ये देखिए वाह। तो अब मैंने थोड़ा निचोड़ने के लिए रख दूँगी, साथ में कड़ी को तड़का लगाया आपने देखा ही है। और ये निचोड़ जाए फिर मैं ये लड़ियाँ लगाती हूँ। और उधर आपने देखा अभी जो मैंने किया, और यहाँ पर अभी इसमें फ्रेंड्स पानी जाएगा थोड़ा, मैंने आलू भी डाले हुए हैं। मैं डाल देती हूँ थोड़ा, तो फ्रेंड्स ये पानी मैंने और तो फ्रेंड्स पानी और मैंने डाल दिया है, क्योंकि कड़ी का मतलब ही होता है एक घंटा रिझ रिझ कर उसे अच्छे से रिझाओ तभी कड़ी मानी जाती है। तो अब ये धीरे धीरे रिझेगी कम से कम घंटा डेढ़ घंटा, और फिर हमारी कड़ी होगी बनकर तैयार। तो जब तक मैं अपने फ्लावर्स वगैरह लगा लेती हूँ और थोड़ी सफाई कर लेती हूँ साथ साथ में, तो ठीक है मिलती हूँ आपसे कड़ी बनने के बाद फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कड़ी बन चुकी है, आप देख सकते हो, आप देख रहे होंगे कितनी कम कड़ी रह गई है। इसमें सिर्फ अभी रमन के पापा ने ही खाना खाया फ्रेंड्स। कड़ी का मतलब ही होता है कड़कड़ के बनना, तो ये कड़कड़ कर इतनी रह गई है। जब ज़्यादा थी पानी डालकर ये रिझ रिझ के ही बेसन पकता है और कड़ी अच्छे से बनती है। तो ठीक है मैं लगाती हूँ प्लेट, लग चुकी है फ्रेंड्स हमारी प्लेट। आप भी आ जाइए, मैंने कड़ी के साथ चावल बनाए थे पर मेरे को चपाती पसंद है आपको पता ही, और साथ में है पापड़, यम्मी यम्मी। तो आप भी आ जाइए खा लीजिए, कड़ी के साथ रोटी चावल नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे को चावल ज़्यादा पसंद नहीं है, कड़ी के साथ रोटी ही पसंद है, हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। और तो ठीक है फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और मेरे प्यार मापुछ को प्यार भरी धन अंकार, हंसते रहो बसते रहो, सदा खुश रहो, अपना ध्यान रखो, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखो क्योंकि घर में बुजुर्ग है तो रौनक है। तो ठीक है जी, हम करते हैं डिनर और आपसे मिलूंगी एक और दिन एक और नई वीडियो के साथ। धन अंकार जी।